बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे की मौत की अचानक खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। पूनम की मौत की वजह सर्वाइकल कैंसर बताई जा रही है। उनकी पीआर टीम में एक्ट्रेस की मौत तो कंफर्म की है, लेकिन पूनम की मौत कब और कहां हुई, इन तमाम सवालों पर चुप्पी साधी हुई है। अब ऐसे में एक्ट्रेस की मौत को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है। पूनम पांडे की मौत की खबर उनके इंस्टाग्राम पर उनकी टीम द्वारा दी गई एक पोस्ट से मिली है। पोस्ट में लिखा गया है, ये सुबह हमारे लिए मुश्किल है, आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमने सर्वाइकल कैंसर की वजह से अपनी प्यारी पूनम को खो दिया। उनके संपर्क आने वाला हर इंसान से वो बेहद प्यार से मिली। दुख की इस घड़ी में हम प्राइवेसी की रिक्वेस्ट करेंगे, हम उन्हें हमारे द्वारा शेयर की गई हर बात के लिए प्यार से याद करेंगे। अब पूनम की मौत की खबर को उनकी पीआर टीम ने कंफर्म किया, हालांकि पीआर टीम ने इसके अलावा किसी तरह की कोई और जानकारी नहीं दी। एक्ट्रेस की मौत कब हुई, किस अस्पताल में आखिरी सांस ली, कब होगा अंतिम संस्कार, परिवार का रिएक्शन क्या है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन्हें लेकर टीम से लेकर परिवार तक सभी ने चुप्पी साध रखी है। बता दें कि वर्ल्ड कैंसर डे से पहले पूनम पांडे की मौत की खबर आई है, इसने हर किसी को शॉक कर दिया है। दरअसल वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को है, वहीं एक्ट्रेस की मौत से जुड़ी कोई और जानकारी ना मिलने से हर कोई परेशान है। मेल के जरिए पूनम पांडे की मौत की जानकारी, दरअसल एक मेल कई लोगों को मिला है, मगर इसमें मौत की खबर को सही बताने के अलावा किसी तरह की डिटेल्स नहीं है कि कब कहां और किस अस्पताल में। गौर करने वाली बात है कि इस रिलीज में कैंसर अवेयरनेस की बात भी लिखी हुई है और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस है। 2 दिन पहले तक शूटिंग कर रही थी पूनम पांडे। इंस्टाग्राम पर कई तरह की रील्स भी हमने देखी है। फेमस डिजाइनर रोहित वर्मा की एक पोस्ट ने और ज्यादा सरप्राइज कर दिया। दरअसल उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए बताया कि 2 दिन पहले ही मुंबई में उन्होंने पूनम पांडे के साथ शूट किया। उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा कि पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं है। खबरों की माने तो 2 दिन पहले ही बिल्कुल वो चुस्त दुरुस्त थी, तंदुरुस्त थी, लग नहीं रहा था कि उन्हें कैंसर है। रोहित ने बताया कि उन्हें भी ये जानकारी टीम की ओर से दी गई है कि वो अपने होम टाउन कानपुर गई हुई थी और वहीं पर उनकी मौत हुई। विवादों में रही पूनम पांडे। बता दें कि कानपुर में जन्मी पूनम ने भारतीय क्रिकेट टीम के 2011 क्रिकेट विश्व कप जीतने पर सारे कपड़े उतारने के अपने बयान से काफी सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि एक्ट्रेस ने अपना वादा पूरा नहीं किया था, लेकिन वो विवाद में जरूर आ गई थी। पूनम के अभिनय करियर की शुरुआत 2013 में विवादास्पद फिल्म नशा से हुई थी। वो मालिनी एंड कंपनी में भी नजर आई थी और कर्म की यात्रा में भी उन्होंने काम किया। हालांकि उनका फिल्मी करियर मेन स्ट्रीम की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सका, लेकिन वो अपनी बोल्ड चॉइस के लिए सुर्खियों में हमेशा बनी रहती हैं।